स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, बेहतरीन हॉस्टल की सुविधा, फैशन मॉल, अब पाएं 1500 तक की जींस सिर्फ 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। जेपीएस, ये नाम पलामू का ब्रांड बन चुका है। डाल्टनगंज में जाना माना एक परिवार के रूप में, एक ब्रांड के रूप में इस शहर में विकसित हो गया है। ये जेपीएस परिवार जिस कार्य में हाथ डालता है वो बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको संपादित करते हैं, जिससे समाज को भी लाभ मिलता है। ना तो परिचय का मोहताज है, ना ही पहचान की दरकार। जेपीएस के नाम से खुलते हैं दिन प्रतिदिन नए प्रतिष्ठान। कांग्रेस नेता और महानगर के अध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह के नए प्रतिष्ठान बजाज शोरूम खुलने पर उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाले समय में शहर में यहाँ की प्रतिष्ठान से जो दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल जो खरीदेगी, इसकी संपूर्ण व्यवस्था डाल्टनगंज में अभिषेक सिंह के इस प्रतिष्ठान जेपीएस के द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर से उनको नए प्रतिष्ठान की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवसाय में निहित जनता की सेवा, सेवा का संकल्प दोहराता जेपीएस परिवार। जहां संपन्नता आधारित जीवन है तो वहीं सफलता के सोपान का अभिषेक होता है। सेवा करते थे, अभी सेवा करते हैं। और बजाज के शोरूम में हमारे पास कम्यूटर सेगमेंट से लेके हायर रेंज की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। 110 सीसी से लेके 420-400 सीसी तक की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। और हमारा जो ये वर्कशॉप है वो आर्ट मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं हाई लेवल का है। वहाँ बहुत पूरा ऑटोमेटेड है। वहाँ पे कस्टमर्स के लिए और गाड़ियों के रख रखाव के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है। मतलब वहाँ पे कस्टमर्स को किसी तरह की परेशानियाँ नहीं होगी और गाड़ी बजाज की बहुत किफ़ायती होती है, प्राइस भी कम होता है और माइलेज भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है और मतलब उनका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो ये सब चीज़ है बजाज में जो कि बजाज को बेहतर बनाता है और सारी जो हमारे कंपटीशन है उससे हमको ज़्यादा बेहतर बनाता है। तभी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बड़े घरानों के साथ जुड़ जाए नंबर वन ऑटोमोबाइल ब्रांड बजाज तो शुभारंभ होता है जीपीएस बजाज का। आज की शुभकामनाएं हैं, बहुत शुभ मुहूर्त में उद्घाटन हुआ है और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, यहाँ पलामू वासियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, गाड़ी भी अच्छी है और लोगों को आसान तरीके से उपलब्ध करा दी जाए। छोटा जगह है डाल्टनगंज, यहाँ हम लोग परिवार की तरह रहते हैं। तो ये जितने भी हैं आप ये समझिए कि हम लोग एक दूसरे के भाई हैं, काम अपना अपना है, काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन होगा उस समय तो सब भाई एक जगह इकट्ठा होंगे ना। बराबर अच्छा है, बराबर तरक्की कर रहे हैं मेरे देखते देखते और बराबर शुभकामना है और आगे बढ़े। 70 देशों में अपने दो पहिया वाहनों के बदौलत चहेता बन बैठा बजाज कंपनी को पलामू में उस व्यवसायिक घराने का साथ मिल गया जो 70 के दशक से तो जरूर पलामू में अपना अमिट छाप छोड़े हुए है। या कहें जीपीएस बड़े छोटे वाहनों का नामी गिरामी कंपनी बन चुकी है। इस जीपीएस परिवार के द्वारा किए गए उद्योग धंधे में अपना हाथ बटाकर और शामिल होकर अपने भी लाभ कमाते हैं और दूसरे को भी लाभ देते हैं, इसलिए जेपीएस परिवार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि वो लगातार इस शहर में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में या प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में वो डंका बजाते जा रहे हैं। हमारी शुभकामना उस परिवार के साथ है। डाल्टनगंज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जीवन जी के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं और नित्य जो है प्रगति के पर्व पर अग्रसर हों। मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर राष्ट्रीय नवीन मेल के समीप जेपीएस बजाज शोरूम एवं वर्कशॉप का उद्घाटन बजाज के रीजनल हेड अम्बिल डुके, प्रतिष्ठित व्यवसायी सुरेश जैन, समाज सेवी ज्ञानचंद पांडे समेत शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों एवं गण्यमान्य लोगों ने किया। मौके पर हर किसी ने बजाज का नया शोरूम खुलने पर खुशी भी जाहिर की एवं जेपीएस परिवार को शुभकामनाएं भी दी। बहुत शुभ मुहूर्त में उद्घाटन हुआ है और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े,
यहाँ पलामू वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, गाड़ी भी अच्छी है और लोगों को आसान तरीके से उपलब्ध करा दी जाए। बराबर शुभकामना है और आगे बढ़ें, टू व्हीलर से थ्री व्हीलर हुआ है, फोर व्हीलर में जाएं, सिक्स व्हीलर में जाएं। पिता के नक्शे कदम पर चलकर जब पुत्र कामयाबी की बुलंदी पर पैर रखता है तो मंगल कामना तो बनती ही है। बजाज को लाने से बहुत फायदा है यहाँ के पलामू को और यहाँ के लोगों को सुविधा भी बहुत मिलेगा। मैं हर कोशिश करूँगा कि पब्लिक को सुविधा दिया जाए और अभिषेक जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, ये आगे बढ़ें और जनता के बीच में सेवा करें। और जो चाहत पिता की रही है, आदतन जनता की सेवा और सुविधा उपलब्ध कराना पुत्र की भी आकांक्षा बन बैठी है। सेवा करते थे, अभी सेवा करते हैं और बजाज के शोरूम में हमारे पास कंप्यूटर सेगमेंट से लेके हायर रेंज की गाड़ियां उपलब्ध है। 120 110 सीसी से लेके 220 400 सीसी तक की गाड़ियां उपलब्ध है और हमारा जो ये वर्कशॉप है वो आर्ट मतलब बहुत ही हाई लेवल का है, पूरा ऑटोमेटेड है। वहाँ पे कस्टमर्स के लिए गाड़ियों के रख रखाव के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है। जी, जैसा नाम वैसा काम करने की चाहत ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अभिषेक सिंह के निर्देशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में क्रांति लाने का काम किया है, जिसका प्रमाण है 10 फरवरी से शुरुआत हुआ 10 मार्च तक चलने वाला इंजन ऑव्यूलिंग कैम्प। जीपीएस बजाज का मुख्य फोकस जहां इंजन के रख रखाव, कंप्यूटराइज सर्विसेज एवं कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो वहीं शोरूम में बजाज का हर मॉडल तो उपलब्ध है ही, तकनीकी रूप से वर्कशॉप भी ग्राहकों के लिए सरल, सुलभ एवं सुविधाजनक तैयार है। जेपीएस बजाज करके हमने यहाँ पे पलामू, डाल्टनगंज, लातेहार एंड गढ़वा जिले के लिए हमने इसको अधिकृत नियुक्त किया गया है और जिसके अंदर में हमने हर एक तालुका पे वहाँ पे ऑथराइज सर्विस डीलर भी हमने अपॉइंट किए ताकि हमारा पूरा तीनों जिले का बजाज का नेटवर्क कंप्लीट कवर हो जाए, ताकि ग्राहकों को वहाँ पे उनको सर्विस और सेल्स की सुविधा और अद्यावत मतलब ओरिजिनल जो स्पेयर पार्ट्स है उनको वहीं पे उपलब्ध होगा, इस उद्देश्य से हमने इसको नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, ऑफर भी नए प्रतिष्ठान में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जिसका प्रतिफल भी दिखने लगा है। खास ऑफर हम लोगों का है, जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया कस्टमर्स के लिए। जैसे कस्टमर अगर एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो पूरा साल भर का कस्टमर का गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा। उसके लिए कस्टमर को ज्यादा नहीं 900 या 1000 रुपया देना पड़ेगा। बैंड उसमें कस्टमर को साल में 5 से 6 बार फ्री वॉशिंग मिलेंगे, फ्री सर्विसिंग मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स और लुब्रिकेंट के ऊपर 5% 10% डिस्काउंट मिलेंगे और एडिशनल जो भी लेबर चार्ज होते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्विस उसमें भी उनको 20% लेबर डिस्काउंट मिलेंगे। बजाज शोरूम की सफलता का सोपान भी उद्घाटन का साथ लिखत दिया गया, जहां ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया और कांग्रेसी नेता पप्पू अजहर पहले कस्टमर के तौर पर अपना नाम भी दर्ज करा गए। आने वाले समय में शहर में यहाँ की प्रतिष्ठान से जो दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल जो खरीदेगी इसकी संपूर्ण व्यवस्था डाल्टनगंज में अभिषेक सिंह के इस प्रतिष्ठान जेपीएस के द्वारा किया जाएगा। पलामू, गढ़वा, लातेहार की हृदय स्थली मेदनगर से जेपीएस बाजार अनुमंडल स्तर पर भी सेल्स एवं सर्विस की सुविधा पहुंचाएगी। सबसे बड़ी बात कि पुराने कस्टमर को भी विशेष सुविधा दी जाएगी, तो कोई दुविधा नहीं क्योंकि जेपीएस बाजार देगा सिर्फ और सिर्फ सुविधा। रांची रोड में जेपीएस परिवार का बजाज शोरूम एक नया सॉल्यूशन, नया लोकेशन, नया मोटिवेशन बन पलामू वासियों के बीच उभरेगा। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।